भाई लोग बोलो कैसा लग रहा है खंडेधर आकर? बहुत मजा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये पानी में थोड़ा नहा लूं। आज हम लोग खंडेधर जाने वाले हैं। जाने वाले हैं नहीं, जा रहे हैं। जा रहे हैं रोनीपड़ा में है। हाँ, रोनीपड़ा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ भाई आप सब बढ़िया एंड मस्त हो गए। तो मैं तो मस्त हूँ और खंडेधर घूमने के लिए आया हूँ। मैं केवल नहीं हूँ, हम लोग 3-4 मेंबर आए हैं। आपको देख सके दिखा दे रहे हैं, ये रहा अंकुर भैया भाभी। और थोड़ा एंजॉय करेंगे, देखते हैं। आशा की है कि बहुत सारा एंजॉय करेंगे। आप देखते हैं एंजॉय कर पाते कि नहीं पाते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एंट्री, तो चलिए यहाँ से सेकेंड गेट है। अभी देखो कितना सुंदर बन चुका है। देखो जितना भी डिजाइन लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, तो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही बुरा हालत था, लेकिन अभी पिकनिक स्पॉट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो ब्रिज दिखे दे रहा है ना, ये वाला ब्रिज पहले नहीं था। जिस टाइम हम आए थे तो इसमें पूरा फटा हुआ सीढ़ी था, यानी कि फटा हुआ ब्रिज था। तो उसको एकदम पकड़ पकड़ के, इसे इस तरह पकड़ पकड़ के हम लोग पार हुए थे। लेकिन अभी सच में यार बोल रहा हूँ तो बहुत ही सुंदर बना चुके हैं। आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर देखिए वाटरफॉल, ये वाला हम लोग का छोटा वाला वाटरफॉल है। ये देखिए ऐसे ढलाई लेकर के बना दिए हैं। एंड ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए। और दूर से थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं वाटरफॉल, दूर से दिख रहा है कि नहीं। अब एक कैमरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, तो कैसा लगेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम लोग भी घूमते हैं एंड आपको भी दिखाएंगे। तो देखिए एकदम गार्डन जैसे बना दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए पूरा बहुत ही सुंदर नजारा। आप लोग देखिए ये क्या है, छत्तू। अंकुर छत्तू खाओगे? छत्तू बड़ा वाला छत्तू? छत्तू नहीं खा रहे ना? चूहा कटेगा तो खाएंगे, तो ठीक है चलो। ये देखिए भाई लोग, पूरे यहाँ से खंडेधर का व्यू पूरा आ रहा है। अभी सीजन भी, धूप का सीजन आ चुका है। मार्च महीना हम लोग आए घूमने के लिए। प्लानिंग तो चल रहा था कि हम लोग जनवरी में ही आएंगे, तो जनवरी में आने नहीं सके थे। तो बहुत दिन के बाद आज हम लोग का प्लान फाइनल हुआ एंड अभी हम लोग आए हैं। तो आपको पूरा घूम करके दिखा दे रहे भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि यार इस समय जितना भी डिजाइन लगाया गया है, यानी कि जितना भी 100 पेड़ सब लगाया गया है, वो सब पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी पूरा बन चुका है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और आगे हम आपको चढ़ के दिखाएंगे भाई, जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से। बोलो कैसा लग रहा है खंडेधर आकर के? अच्छा, पहली बार आए की हर कबर आए थे? नहीं आए थे, पहली बार है ना। हाँ। और हमारा जो दर्शक भाई से कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब कुछ भी बोलना नहीं कहोगे? बोल दो। हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। जो देखिए ऐसा दिखता है भाई खंडेधर, आपको बैनर में दिखा रहे हैं। यार बहुत दिन से हम लोग का प्लान चल रहा था भाई खंडेधर आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाए थे। तो फाइनल और आ भी चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई आप जानते हो कि एक नया जगह जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहते हैं, तो क्या ही बोले। कितना पहला का इंतजार का फल मीठा होता है। तो आज हम लोग का फाइनली हम लोग का जो फल है मीठा हो चुका है, खंडेधर का पहला स्टेप। लिटरली भाई मुझे एकदम सच में बोल रहा हूँ, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं खंडेधर आया हूँ। मुझे मारो कब? तो उस भाई का तो सांस भी निकल जा रहा है। और सही बोला ये भाई ने, सांस सचमुच में निकल जा रहा है, क्योंकि मेरा सांस भी निकल रहा है अभी से। यानी कि अभी थोड़ा भी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, वहाँ से इतना दूर हुआ है कि सांस निकल रहा है। आप पूछते हैं भैया अभी से कैसे भाई साहब, सांस निकल रहा है कि घुस रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो 2004 में आए थे, तब तो सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं था। अब सीढ़ी बन गया है, वहाँ से जाएंगे आराम से, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे कि भाई अब सब बोले धीरे धीरे जाएंगे, बट मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये वही सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचाएगा। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए भाई। और नहीं हो तो देख सकते हो भाई, चढ़ चढ़ के हम लोग का हालात हो चुका है खराब। तो सारा सुविधा पकड़ के आना, नहीं तो आप लोग का भी हालात खराब हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, सबको मैं दिखा तो जा रहा हूँ।
यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, ये भगवान कहाँ यार, ये रहा देखो खंडहर का पानी यहाँ पर निकल रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पर तो भाई बहुत सारा मंकी किंग सब है। तो भाई लोग अभी हम लोग सिरे का बीचों बीच पहुँच चुके हैं एंड और कुछ थोड़ा ही दूर है पहुँचने के लिए। तो सिरे का भी आपको कितना जरा दिखाएंगे, तो सिरे का जरा भी नहीं दिखा रहे, आपको पहुँचने के बाद में पूरा दिखाएंगे। फिर भी यार जब इतना दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत क्लिप तो बनता है। एंड भाई आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आगे जो भी भैया भाभी सब चढ़ाई कर रहे हैं। एंड ये देखिए भैया भाभी सब भी आगे आगे, कैमरा में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट और कुछ वो देखो व्हाइट व्हाइट का दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर से वाटरफॉल यानी कि पानी गिर रहा है साइड प्लेज। हाँ तो देखिए यहाँ पर पानी आ रहा है, ओ भाई मस्त लग रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, प्लीज टेक नथिंग, क्या चैनल का ना गवार कोड़ा। तो भाई लोग और बस ज्यादा दूर नहीं है और 100 मीटर के करीब है, हम लोग अभी पहुंच जाएंगे जहाँ से वाटरफॉल हो रहा है पानी गिर रहा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। भाई लोग देखिए यहाँ पर हम लोग बस अभी पहुँचने ही वाले हैं, तो थोड़ा सा बैठे हैं, उधर भाभी आराम कर रही है और इधर भैया एंड अभी ये बच्चा यहाँ पर बैठा है हम लोग का भैया। एंड आपको आप तो मुझे देख ही रहे हो, बैठ रखा है बाबू, कुछ बोलो अंकुर, सीढ़ी चढ़ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एंड गाइस देखिए इतना ऊपर से हम लोग को पानी गिर रहा है, पूरा ऊपर से पानी गिर के आ रहा है। आग के सामने तो नजदीक लग रहा है लेकिन यहाँ से करीब 200-250 सीढ़ी और फिर से चढ़ना पड़ेगा हम लोग को, जो कि भैया भाभी और बच्चा चढ़ रहा है। देखो हेलमेट पहन के चढ़ रहा है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा हेलमेट पहन के पड़ रहा है। एंड मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाय बाय। अभी तो खंडहर पहुंच चुके हैं। नहीं पहुंचे हैं। हमें आज ही पूरा खंडहर बोले और पूरा पीछे वाला छोड़ा मन आता है, बहुत बहुत टाउन बट करे बाबा हीरो मर क्या हुआ था देखा तो हमें पूरा पहुंचे बोला ही पूरा एक खंडा भाई और हमें आ ही चाहिए जाने पूरा मोर बुढ़िया है और मोर भाई मन आए जाए और पीछे वर्ष से हीरो छोड़ा मन आता है पूरा कैमरा उधर लेके आते है और हमें भी कैमरा लेके आई फोटो उठता उठा थी मजा लगा थे और मस्त लगा थे और कैमरा पूरा फोटो भी बढ़िया उठाते और देखी लागे बट पूरा मंजिल तक पहुंचा पूरा पानी तक और देखा भाई तुम्हें मन के ठीक है। फिर हमारे वीडियो में बने रहो और कोटिए कौन है पहुंचे कले फिर पहुंच जा तनिक थाई गिली खान सतह से सतहते जाती हमें। तो गाइज ये रहा सेकंड वाला क्या बोलते हैं छोटा सा कुटीर जैसा है। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग वाटरफॉल के सामने पहुंच चुके हैं एंड मैं भी पूरा थक गया था थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर से मैं अपना शूट स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अपना बैक कैमरा से मैं पूरा अच्छे से आपको दिखा दूंगा, दे रहा हूँ आपको पीछे कैसा दिखाई दे रहा है बोलना। देखिए दोस्तों हम लोग तो पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के सामने। हाय आते आते बहुत गर्मी लग गया लेकिन वाटरफॉल ऐसा गिर रहा है जो वहां से ठंडे ठंडे पानी का जो बहाव हुए हवा है मस्त लग रहा है, अपना शरीर को टच करके जा रहा है। भाई लोग बोलो कैसा लग रहा है खंडहर आकर? बहुत मजा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये पानी में थोड़ा नहा लूं। बिल्कुल तो सही बोला, इतना बड़ा मस्त हवा चल रहा है जो पूरा बहुत ही प्यारा व्यू। इसी वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से ये वाटर गिर रहा है पूरा एकदम व्हाइट कलर बन के पूरा दिखाई दे रहा है पूरा देखिए। एंड अभी थोड़ा मौसम मार्च का महीना चल रहा है तो उतना ज्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि गर्मी का सीजन भी आ गया तो उसके वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ यही है, पहले तो ये सब जितना भी था बनाया हुआ ग्रिल सब नहीं था एंड अभी जो हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं तो सारा चीज बन चुका है और बहुत ही सेफ्टी लग रहा है। पहले तो इसमें पूरा उतरना चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है एंड सबको कितना सेफ्टी के साथ अपना नीचे ऊपर उठने बैठने से आग रही है। देखिए ये सब बिल्कुल भी नहीं था एंड आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है जो भी आपको यही दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा उतना दूर से देखिए सेफ्टी के साथ
करके आ रहे हैं। जो भी है व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, एंड चलिए नीचे भी आपको जाकर दिखाएंगे। तो इतना दूर आ ही चुके हैं तो मुझे लग रहा है अपने पानी में टच करके आ जाओ, तो जरूर टच करेंगे भाई। बहुत गर्मी के साथ इतना ऊपर में चढ़े थे, अभी जो फील आ रहा है ना पूरा गर्मी से पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रहा भाई, भाभी, अंकुर एंड भैया अभी नीचे उतर रहे हैं। आराम से जरा उतरना, पानी के सामने पहुंच चुके हैं और कुछ टाइम बाद हम लोग भी नीचे उतरेंगे सोच रहे हैं। यारा जो भी आए हैं देखने के लिए, पानी नीचे उतर चुके हैं और थोड़ा सा पानी का मजा भी ले रहे हैं। और उतरने से पहले थोड़ा सा क्लिप शूट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी नीचे उतरेंगे। सारे गाधोई बा मोना, नहाने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खंडाधार के वाटरफॉल के सामने, एंड आप लोग वेस्ट साइड देखिए जो भी दिखाई दे रहा है यही खंडाधार। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे आएंगे बोल करके, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भाई लोग हम लोग यहां पर तक पहुंच ही चुके हैं, साथ में मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा है। और ये देखिए हम लोग क्या रहा है खाने के लिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये कुरकुरे बोलते हैं चीज बोलते हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं खा रहा हूँ आलू का चिप्स, तो खाते हैं। वाटरफॉल को देखते हुए चिप्स खाने का, वाटरफॉल को देखते हुए चिप्स खाने का मजा ही कुछ और। सबर करो आपको मिलेगा, ठीक है ना, सबर करो। आप लोग भी आओ कुरकुरे चिप्स पकड़ करके और यहाँ पर बैठो हम लोग जैसे, देखो एंड आप लोग भी खा सकते हो। एंड भाई लोग मैं फाइनली इस जो भी बाउंड्री था इस बाउंड्री को पार करके मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और देखते हैं बैठने का तरीका किस तरह हम बैठे। स्लोपिंग स्लोपिंग बचपन में खेले तो इस तरह स्लोपिंग होकर उतरेंगे। ये रहा तो फाइनली पानी को मैं टच कर चुका हूँ और देखिए यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही गजब का लग रहा है। ओ भाई साहब, और भाभी का थोड़ा सा फोटो फूट चल रहा है। तो भाई खंडाधार का पानी बिल्कुल मस्त लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इस पानी में आ करके, एकदम मुझे ठंडा ठंडा फील हुआ, तो आप लोग भी आइए। तो भाई जैसे कि आप लोग देख लिए खंडाधार का पूरा हम लोग मजा आज उठा चुके हैं, बहुत दिन से इसका बेसब्री से इंतजार था, तो इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका एंड यार खंडाधार पहुंच ही चुके हैं। एंड बहुत सारा मजे नहीं कर पाए क्योंकि और चार फ्रेंड आने वाले थे बट वो सब किसी कारण आने नहीं सके, तो ज्यादा मजा बिल्कुल भी नहीं आया। बस जो भी था हम लोग खंडाधार आना था आ चुके हैं। मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बेचारा जैसे हो रहा है हो रखा है, क्योंकि खुशी किस बात की जब फ्रेंड ही साथ में नहीं आ पाएंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता, आपको पता ही है, तो चार जन क्या मजा उठाएंगे। बस ऐसे ही थोड़ा सा फोटो शूट कर लिया एंड अभी हम लोग जाएंगे नीचे
यहाँ का जितना खिला हो चुका था खत्म। फिर से भाई लोग लास्ट टाइम मैं खंडर आपको दिखा दे रहा हूँ, पानी बहुत ही ऊपर से गिर रहा है, बहुत दे देखो उतना ऊपर से, एंड हम लोग नीचे उतरेंगे। थोड़ा सा भाभी का फोटोशूट चल रहा है, तो लास्ट टाइम इधर देख करके हाय बाय बोल दो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। तो हाय दोस्तों, हम लोग तो आ चुके हैं ऊपर से, नीचे आ रहे हैं, एंड यार सीढ़ी के हम लोग बीचों बीच आ चुके हैं। देखिए नहीं खुला है मेरा बिस्किट भाई, ये मंकी किंग हमें देख चुका है। तो दोस्तों क्या बोलते हो, मंकी किंग को दे दे कुछ बहुत बिस्कुट, आप लोग कमेंट करके बताना, हम लोग अभी दे दे रहे। चलो अंकुर एक फाड़ो, और भाई साहब वो देखिए, देखिए ये मंकी किंग सब है, किंग सब है। अरे बाप रे, इतना बड़ा मंकी, मंकी किंग सब, वो देखो मोस रहे। हाँ हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल से ज्यादा थरथर आ रहा है। देखो वो भाई लोग देखो कितने सारा मंकी सब है, वो देखो, वो देखो मंकी किंग सब 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 पिकनिक और पार्टी कर रहे हैं। वो रहा मारपीट भी हो रहे हैं, वो भाई मारपीट भी होती है सब। मेरे भैया जा रहे हैं मंकी किंग को थोड़ा सा बिस्किट देने के लिए, ये रहा बिस्किट आप लोग देख सकते हो, एंड देखते हैं वहाँ पर पेड़ के पीछे। चलो दो भाई जा रहे हैं, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, देखिए और आ रहा चले जा रहे उधर भाग रहे, ओ भाई सब तो बड़ी स्पीड से भाग रहे। एंड यार देखो कितना नन्ना मुन्ना, वो रहा आपको दिखे दे रहा है कि नहीं, ओ भाई ओ भाग, ओ बाप रे इतना बड़ा बड़ा भी है। आपको कैमरा अच्छा से देखे नहीं दे रहा है, लेकिन भाई सब जा रहे हैं। अरे भाई वहाँ पर चार पांच बिस्किट रख दे, तो भाई साहब बिस्किट देने के लिए गए हैं, पहले वहाँ पर बिस्किट रख चुके हैं, एंड ऊपर तरफ आ रहे हैं क्योंकि मंकी सब जितना भी था। तो भाई लोग हम लोग ऊपर जो चढ़े थे पूरा वहाँ का पूरा व्यू आपको दिखा दिए, एंड अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, एंड नीचे भी थोड़ा सा घूमेंगे और यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। एंड चलिए दोस्तों आगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आम और जामुन दोनों पेड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थक गए भैया अभी सब, मैं भी थक गया हूँ। बोल रहा भाई यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मस्त लगने वाला है, क्योंकि यार मैं भी बहुत पहले आया था एंड अभी आया हूँ सेकेंड टाइम, यानी कि ये मेरा फोर्थ टाइम हो गया होगा, लेकिन अपना फैमिली के साथ आया था एंड उस टाइम उतना खास अभी इतना नहीं बना था जितना अभी बनाए, और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस आइए और आप भी एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और ये उंगली क्या कर रहा है, वही बोणो भोजी स्थोड़ो। यार हम लोग का बोणो भोजी होता है, बोणो भोजी नहीं समझे तो पिकनिक बोलते हैं, आ करके यहाँ पर रंधा पटा करते हैं और खाना पीना खाते हैं, उसी को पिकनिक बोलते हैं, बोणो भोजी भी बोलते हैं। तो चलिए इस गेट में हम भी एंट्री लेते हैं। ओ भाई वाह भाई, चारों ओर ये छोटा सा बनाया गया है गार्डन टाइप। अंकुर हम लोग के साथ आया था थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए चढ़ के ऊपर में। ओ भाई अंकुर वहाँ पर से तुम नीचे आए तो आपको कैसे लगा? पूरा अच्छा लगा ना? अरे बाप रे उतना ज्यादा अच्छा लगा। ओ अरे ये क्या है? ओ भाई एलिफेंट का मुंह ना, कितना लंबा कैसे हो गया? चल 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 आजा आजा आजा, देखो ये भाई मेरा बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। ओ भाई तो ये बच्चे लोग के खेलने के लिए जगह है, तो ये है, ये चढ़ चुका है अंकुर, एंड चलिए देखते कितना एंजॉय कर रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई बहुत ही हार्ड। लोग यहाँ का छोटा सा पार्क हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए ये कितना सो दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड इस साइड में आप लोग देखिए ये पौधा सब कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यही है, थोड़ा सा सोला पेड़ लगा दिए हैं, और इधर से हम लोग निकल के जाएंगे सीधा उस साइड में। फाइनल दोस्तों हम लोग खंडर आए थे एंड बहुत सारा मजे तो कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ दोस्त सबको मिस किए, इस गेट से हम लोग निकल जाएंगे। तो आपको बैक से इधर से हम लोग गए थे एंड इधर से वापस आ चुके हैं, और अभी हम लोग निकल जाएंगे उस साइड में, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए भैया और भाभी ऊपर निकल चुके हैं, हम लोग ये अंकुर और मैं अभी बचे हैं,
क्योंकि मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रहा हूँ दोस्तों। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कीमती वक्त निकाल करके मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एंड दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।